एल्गोरिथम को शॉर्ट में बोलूं तो इट इज अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जहां हमें लालची होके ग्रीडी होके सोचना होता है किसी भी प्रॉब्लम में, तो उस जगह हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम लगता है। एलसीए हो या कोई भी हो ना, हम जनरली बाइनरी ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, बट जेनरिक ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उस पर भी इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाय एवरीवन, माय सेल्फ नमन गुप्ता। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे जो हमें पढ़ने ही चाहिए ताकि प्लेसमेंट में बेटर परफॉर्म कर पाए। एल्गोरिथम को शॉर्ट में बोलूं तो इट इज़ अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये आज मैं 10 एल्गोरिथम्स जो बताने वाला हूँ, हो सकता है ये आपसे डायरेक्टली पूछ लें, नहीं तो ऑलमोस्ट 50% प्रॉब्लम्स ऐसी ही होती है जो जिनमें इनमें से कोई ना कोई एल्गोरिथम का यूज़ होता है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व ना कर पाए। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग भी इन सभी एल्गोरिथम्स का डिटेल में पढ़ सकें। एंड साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सके। एंड ऑल्सो कमेंट करके बताएं कि आपने कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ लिए हैं एंड अपना अपडेट ज़रूर देते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट 10 डेज रोज़ एक ही एल्गोरिथम कीजिए और उसका अपडेट कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखकर कि आप लोग उसे अच्छे से कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोज़ चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस भी सीक्वेंस में इन्हें लर्न करना है उसी सीक्वेंस में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एल्गोरिथम है वो है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग में हम लोगों का मेन जो एल्गोरिथम है वो बाइनरी सर्च आता है। उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वो लॉग इन में काम कर रहा है। उसके अलावा बाइनरी सर्च की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। उसकी लॉग इन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी सब चीज़ पढ़ लीजिए। उसके अलावा सर्चिंग में जनरली कोई नहीं पूछता है, बट कभी कभी टर्नरी सर्च वगैरह के से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, और ये भी पूछ लेते हैं कि बाइनरी जो है वो टर्नरी से क्यों बेटर है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में सबसे पहले एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी के इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इनकी आज सच हमें वर्किंग ही पता होनी चाहिए कि ये किस तरह काम करते हैं। इनसे रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनते हैं। उसके बाद एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी वाले मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो इसके अंदर मर्ज सॉर्ट जो है अपना और क्विक सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम भी है, तो इनके बारे में इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है और कैसे सॉल्व करते हैं सब पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड कई बार काफ़ी क्वेश्चंस मॉडिफाई होकर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा हीप सॉर्ट है उसका जो यूज़ है वो प्रायोरिटी क्यू में भी होता है, यानी कि हमारी जो प्रायोरिटी क्यू है उसी की हेल्प से एक तरह से हम सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। तो उसकी जो पूरी फंक्शनैलिटी होती है कि वो कैसे बनता है एंड कैसे उसका यूज़ होता है, वो सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप हीप सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए या फिर प्रायोरिटी क्यू क्लास को इम्प्लीमेंट कीजिए। इसके अलावा ऑर्डर एन कॉम्प्लेक्सिटी वाले रैडिक सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लोग जनरली इनको पढ़ते ही हैं। एंड उसके अलावा भी कभी कभी हो जाता है कि इनसे रिलेटेड कंसेप्ट हमसे पूछ लिया जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन दोनों को नहीं पढ़ना है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर एन में सॉल्व करने वाले भी होते हैं एंड उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम था सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बाद 3 स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हमारा पार्ट 2 में आएंगे, जो कि है हमारा कार्डेन एल्गोरिथम, हमारा टू पॉइंटर एल्गोरिथम एंड हमारा स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। कार्डेन जो है वो हमने मैक्सिमम सम सब एरे में भी पढ़ा होता है एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस एल्गोरिथम से बन रहे होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आता है टू पॉइंटर, जिसमें होता है कि भाई एक हमने स्टार्ट में पॉइंटर रख दिया, एक हमने एंड में रख दिया। हमारा 2 सम में, 3 सम में, 4 सम में ऑलमोस्ट सभी इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होता है, जो कि हमें ऑप्टिमल अप्रोच में सॉल्व करने में हेल्प करता है किसी भी क्वेश्चन को।
थर्ड आता है हमारा स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो जो हमारा स्ट्रिंग्स है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस में होता है, एंड काफ़ी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जब हमें कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में बताना होता है कि हमारा जो है मतलब कुछ भी फाइंड करना हो, सपोज में कि ये स्ट्रिंग इस दूसरी स्ट्रिंग के इस सेगमेंट में अवेलेबल है कि नहीं है, या मिनिमम सेगमेंट फाइंड करो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब स्लाइडिंग विंडो के अंडर आते हैं। तो इन तीन सेक्शंस को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एंड ट्राई करिए कि इन तीनों के भी एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस आप कर ही लीजिए। तो हो सकता है ये पूरा जो पार्ट है आप इस वाले सेकेंड एल्गोरिथम को एक दिन में नहीं कर पाए, तो इसको आप 2 दिन का टाइम भी एलोकेट कर सकते हैं। एल्गोरिथम 3 हमारा आता है रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग। रिकर्जन जो है उसका ट्रीज में, ग्राफ का जो DFS होता है उसमें, और काफ़ी अलग अलग जगह काम आता है। रिकर्जन जो है हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, एंड जो बैक ट्रैकिंग है वो भी खुद रिकर्जन से ही सॉल्व होता है। उसमें बस एक स्टेप जो बैक ट्रैक का होता है वो ऐड हो जाता है, बाकी रिकर्जन वाला ही रहता है। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग की जैसे कि एन क्वींस, सुडोकू सॉल्वर, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बैक ट्रैकिंग की मदद से होते हैं। तो रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग भी काफ़ी मेजर एल्गोरिथम माना जाता है, एंड उनके भी एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। और रिकर्जन तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक्स में ही पढ़ते हैं जब हम फाउंडेशन ऑफ C++ पढ़ रहे होते हैं, एंड बैक ट्रैकिंग थोड़ा सा हम बाद में पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कई बार होता है कि लोग जो है बैक ट्रैक वाला स्टेप नहीं समझ पाते हैं। तो इन दोनों को भी एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से करना होगा। 4th एल्गोरिथम आता है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर इन लिंक्ड लिस्ट। इसमें अगर हमें सपोज में लिंक लिस्ट को रिवर्स करना होता है, या फिर हमें लिंक लिस्ट के मिडल पॉइंट पर या N/3 पॉइंट पर पहुंचना होता है, इन सभी जगह यूज होता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे भी मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, उसमें एक स्टेप या 2 स्टेप नहीं बल्कि N स्टेप्स का डिफरेंस था। उसमें मुझसे पूछा था कि अगर लिंक लिस्ट हमें गिवन है तो हम जो लास्ट nth जो नोड है उस पर हम कैसे पहुंचेंगे, हमें इसको सिंगल ट्रैवर्सल में करना होगा, हमें एक से ज़्यादा ट्रैवर्सल हम लिंक लिस्ट पे नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो फास्ट पॉइंटर है उसको हम आगे हर बार मूव करेंगे, एंड जब जैसे ही फास्ट पॉइंटर n जो हम एक काउंट रख लेंगे n पर पहुंच जाएगा, ठीक उसी के बाद हम स्लो पॉइंटर को भी स्टार्ट कर देंगे। एंड जब फास्ट पॉइंटर हमारा लास्ट पर होगा तो स्लो पॉइंटर हमारा जो लास्ट nth नोड है उस पर होगा, तो इससे हम सिंगल ट्रैवर्सल में फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने शुरू में डिस्कस किया N/2th पॉइंट या N/3rd पॉइंट, या इस तरह का कोई भी हमें जब निकालना होता है लिंक लिस्ट में सिंगल ट्रैवर्सल में, तो उसमें स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कंसेप्ट आता है। उसके अलावा अगर जब हम वो साइकिल डिटेक्शन लिंक लिस्ट में कर रहे होते हैं, या साइकिल डिटेक्शन का पॉइंट कि कहाँ पर वो साइकिल शुरू हो रही है, ये दोनों चीज कर रहे होते हैं, तो उसमें भी स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का ही यूज़ होता है, जिसमें स्लो पॉइंटर 1-1 से मूव करता है एंड फास्ट पॉइंटर 2-2 से मूव करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी इस एल्गोरिथम की, तो इसको भी अच्छे से करना होगा। 5th एल्गोरिथम आता है हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम। जहाँ हमें लालची होके ग्रीडी होके सोचना होता है किसी भी प्रॉब्लम में, तो उस जगह हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि फ्रैक्शनल नैपसैक, गैस स्टेशन या मिनिमाइज मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम्स जब आ जाते हैं तो हमें ग्रीडीली सोचना होता है। कुछ जगह होता है हमें एरे को सॉर्ट करके उस पर ग्रीडी एल्गो हमारा लगाना होता है। ग्रीडी एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा बार होता है कि लोगों को प्रॉब्लम देता है। मुझे भी ग्रीडी सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब समझ ही नहीं आता था कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली ग्रीडी लगेगा या एक ग्रीडी से इसका आंसर गलत आएगा। तो इसकी बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि जिसमें ग्रीडी नहीं लग रहा होता उसमें DP लग रहा होता है। तो आपको ग्रीडी एल्गोरिथम भी काफ़ी अच्छे से करना होगा, एंड एटलीस्ट 10-15 प्रॉब्लम्स ग्रीडी एल्गोरिथम की भी कवर कर लीजिए ताकि ये भी एकदम अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। जनरली टेस्ट में कम चांसेस होती है, बट इंटरव्यूज़ के टाइम ग्रीडी एल्गोरिथम से पूछ लिया जाता है। हमारा 6th एल्गोरिथम आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स। अब जहाँ मैंने पहले भी बताया पिछले एल्गोरिथम में जो हमारा ग्रीडी था कि जहाँ ग्रीडी नहीं चलता वहाँ DP चलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शनल नैपसैक जो है वो हमारा ग्रीडी से सॉल्व होता है, तो वहीं नैपसैक जो है हमारा DP से सॉल्व होता है। इसी तरह से DP में जनरली हमारा रिकर्जन का यूज़ होता है, तो वो हमारा एक प्रीरिक्विजिट है। हमारा जैसे रिकर्जन की हेल्प से हम फिबोनाची नंबर करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ DP। जब हम किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को मेमोइज कर देते हैं, यानी कि उसमें हम स्टोरेज की हेल्प से हमारे जो नंबर ऑफ फंक्शनल कॉल्स हैं उनको कम कर देते हैं, तो वही DP होता है। या फिर उस प्रॉब्लम को जो हमारी टॉप डाउन है उसको बॉटम अप में चेंज कर देते हैं, तो वो भी एक DP प्रॉब्लम ही बन जाती है।
डीपी प्रॉब्लम के जनरली 7 मेजर टाइप्स होते हैं, जो कि आप अगर सर्च करेंगे आपको कोडिंग निंजास की साइट ये अपनी यूट्यूब चैनल पर ही काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो उन 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। एंड उन 7 पार्ट को अगर आप कर लेंगे तो आपका डीपी जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। एंड डीपी जो है अभी मैंने जो इससे पहले 5 एल्गोरिथम्स डिस्कस किए एंड इसके बाद जो 4 एल्गोरिथम डिस्कस करूँगा इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डीपी का क्वेश्चन तो मस्ट है ही। अब मान के ही चलिए कि डीपी का क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा एंड ऑलमोस्ट सभी एल्गोरिथम्स में कहीं ना कहीं डीपी का यूज़ हो रहा हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होती है, तो इसको एकदम अच्छे से करना होगा। हमारा जो 7th एल्गोरिथम आता है वो ग्राफ एल्गोरिथम्स होते हैं। ग्राफ में अब कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है कि हमारा जो सबसे मेन चीज़ है BFS DFS, ये जनरली काफ़ी हाई चांसेस होती है पूछे जाने की, जो हमारे जो वो स्टेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके अलावा भी कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता नहीं है कि वो ग्राफ के हैं, बट उसमें एक तरह से BFS और DFS एल्गोरिथम लग रहा होता है। BFS DFS को सीधा सिर्फ ग्राफ से लिंक मत कीजिए, वो एक एल्गोरिथम ही है जो कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है एंड उन्हीं में से ग्राफ की प्रॉब्लम भी एक है। उसके बाद ग्राफ एल्गोरिथम में दूसरा आता है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के एल्गोरिथम होते हैं, जो कि क्रुस्कल है और प्रिम्स है। उसको भी अच्छे से करना होता है कि हम MST से रिलेटेड काफ़ी बार पूछ किया जाता है, और सिर्फ इंटरव्यूज ही नहीं जो हमारे कॉलेज करिकुलम में होता है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आता है यूनियन फाइंड एंड साइकिल डिटेक्शन एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर मैं बताऊँ जो हमारी शेड्यूलिंग में हेल्प करता है, यानी कि अगर हमें कुछ एन कोर्सेज शेड्यूल करने हैं एंड कुछ कुछ के हो सकता है कि उन्हीं में से कोई प्री रिक्विजिट हो तो हमें किस सीक्वेंस में उन्हें पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट की मदद से ही सीखते हैं। उसके बाद आता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो कि डाइक्स्ट्रा है एंड इसी के साथ बेलमैन फोर्ड और फ्लॉइड वॉर्शल भी होता है। बेलमैन फोर्ड जो है वो हमारा एक पॉइंट से सभी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है एंड फ्लॉइड वॉर्शल सभी पॉइंट्स में आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो जो हमारा डाइक्स्ट्रा है वो कई बार नेगेटिव एज वेट्स वगैरह इन सब जगह पे हो सकता है फेल कर जाता है, तो उसमें बेलमैन फोर्ड एंड फ्लॉइड वॉर्शल जो है वो हमारा एकदम सक्सेसफुली रन करता है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके भी ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ग्राफ एल्गोरिथम्स थे जो कि हमें करने ही करने चाहिए ताकि हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ 8th एल्गोरिथम जो है वो हमारा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स है। ये मुझसे भी जनरली नहीं हुए थे, मैंने बहुत ट्राई किया था कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स अच्छे से करूं बट काफ़ी कम मुझे समझ आया था। इसमें दो मेजरली हमें करने होंगे, एक KMP है एंड एक Z एल्गोरिथम है। हो सकता है आप लोगों से भी ये सॉल्व नहीं हो, आपको नहीं समझ आया इतना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें होता है कि कई बार शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स जो इसमें यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे और क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो अगर पूरे पूरे एल्गोरिथम्स आपको समझ नहीं भी आ रहे हैं तो एक बार अच्छे से उनको 3-4 बारी देख लीजिए कि एक्चुअली वर्किंग हो कैसे रही है, ड्राई रन करके देखिए ताकि थोड़ा सा समझ आए। अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाए सिर्फ कि क्या होते हैं ये एल्गोरिथम्स तो आप बता सके, एंड अगर इनका कहीं भी यूज़ हो रहा हो इनके कुछ पार्ट का कुछ इनके स्टेप्स का तो वो भी आप अच्छे से कर पाए। 9th जो है वो एक तरह से हम लोगों का एल्गोरिथम नहीं बोलूँगा मैं, वो है अनऑर्डर्ड मैप की इंटरनल वर्किंग। हमसे कई बार पूछ लेते हैं अनऑर्डर्ड मैप, मेरे साथ भी हुआ है जब मैं बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ वन में काम कर रहा है तो वो पूछ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ वन में कैसे कर रहा है जो इन एक्चुअली नहीं कर रहा होता। सपोज में स्ट्रिंग का अगर हम यूज़ करें, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग बनाया है तो वो स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल काम कर रहा होता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर अनऑर्डर्ड मैप की हमें इंटरनल वर्किंग की वो कैसे चल रहा है वो अच्छे से आती होगी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा भी कई बार मैंने देखा है डायरेक्टली लोगों से पूछ लेते हैं कि अनऑर्डर्ड मैप जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो उसके लिए भी आपको सब चीज़ आनी चाहिए, हैशिंग कैसे करते हैं, रीहैशिंग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इनसे बन जाते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप की इंटरनल वर्किंग जो है वो एकदम अच्छे से कर लीजिए एंड खुद भी उसको कोड करके ट्राई कर लीजिए। और स्पेसिफिकली इसमें रीहैशिंग वाला पार्ट तो लोग बहुत बार छोड़ देते हैं बट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से करना होगा। लास्ट जो हमारा 10th है वो ट्री एल्गोरिथम्स है। ट्री एल्गोरिथम जैसे कि LCA, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर और इसी तरह के काफ़ी और आते हैं वो। उसके अलावा पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इनकी रिकर्सिव अप्रोच एज वेल एज जो स्टैक्स एंड क्यूज की हेल्प से होती है वो वाली अप्रोच, दोनों अप्रोच अगर पता होगी तो काफ़ी अच्छा रहता है। एंड उसके अलावा क्लास इम्प्लीमेंटेशन में BST की इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो ट्रीज एल्गोरिथम में पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी ट्रीज एल्गोरिथम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर्ड होती है बट ये 3 तो एकदम मस्ट होती है जो कि पता होनी चाहिए। और जो LCA है इसको आप BST और जेनरिक ट्री
और हमारा नॉर्मल बाइनरी ट्री, तीनों में आना चाहिए। जेनरिक ट्री के हम कहीं भी क्वेश्चंस नहीं देखते, LCA हो या कोई भी हो ना, हम जनरली बाइनरी ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बट जेनरिक ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उस पर भी इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप बाइनरी ट्री पर सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये सोच के देख लीजिए, एटलीस्ट अपने माइंड में अप्रोच रेडी रखिए कि अगर वो बाइनरी की जगह जेनरिक में पूछ लिया जाए तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको गूगल कीजिए, ढूंढिए, अपने सीनियर से या अपने जो कोमेट्स हैं उनसे या किसी से भी पूछिए और उसको अच्छे से समझिए। तो गाइज, ये 10 एल्गोरिथम्स हैं जो आने ही चाहिए। एक बार शॉर्ट में मैं सारी एल्गोरिथम फिर बताता हूँ उनकी नेम। फर्स्ट था हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सेकेंड हमारा जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जैसे कि कैडन, टू पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो, थर्ड हमारा रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, फोर्थ हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर इन लिंक्ड लिस्ट, फिफ्थ हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम, सिक्स्थ हमारा DP एल्गोरिथम, सेवेंथ हमारा ग्राफ एल्गोरिथम्स, एट्थ हमारा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, नाइन्थ हमारा अनऑर्डर्ड मैप की इंटरनल वर्किंग, टेंथ हमारा ट्रीज एल्गोरिथम। रोज अगर एक भी करोगे तो 10 डेज में आपका हो जाएगा। बाकी कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जो शायद एक दिन में नहीं हो सकते हो, तो मैक्सिमम आपका 15 डेज में हो जाएगा। अब बात ये आती है कि डिटेल में अगर इनको पढ़ना हो तो आप कहाँ से पढ़ें। तो मैं अब लास्ट में अब इसके दो रिसोर्सेज बताऊंगा, एक पेड है एंड एक फ्री है, एंड दोनों ही कोडिंग मिजाज की तरफ से हैं। तो पहले अगर मैं फ्री रिसोर्स की बात करूँ तो आप कोड स्टूडियो, एक प्लेटफॉर्म है कोडिंग निंजास का जहां पर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उसमें गाइडेड पाथ के सेक्शन में आपको सभी के रिलेटेड जो हम लोगों की रिटन पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, कोड होता है, सब चीज़ आपको गिवन है, तो वहां से आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा वहीं पर ही आप कोडिंग कोड स्टूडियो के ID पर सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि इन एक्चुअल आप कोड लिख सकते हैं उसका या नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी टॉपिक मास्टर करना हो तो क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, आपको कंपनी वाइज मिलेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप कंटेस्ट देकर भी अपने स्किल्स को हैं उनको मास्टर कर सकते हैं। अब होता है कई लोगों के साथ कि सिर्फ रीड करके वो नहीं कर पाते हैं, उनको ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो नेक्स्ट यही हमारा पेड रिसोर्स आता है जो कि है हमारा कोडिंग निंजास का DS एंड एल्गोरिथम कोर्स, जो कि काफ़ी अच्छा है विद 1:1 डाउट सपोर्ट। आप उसको भी एक बार फ्री ट्रायल लेके ट्राई ज़रूर करके देखिए। और इसके अलावा आप कोडिंग निंजास का स्कॉलरशिप टेस्ट भी हर मंथ ऑलमोस्ट होता है, तो आप उसमें अप्लाई करके उसके बाद भी उस कोर्स को खरीद सकते हैं अगर आपको वो फ्री ट्रायल में पसंद आए तो। ये दो मेजर एरियाज हैं जहाँ से आप इन सभी एल्गोरिथम्स को मास्टर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो फिर से बोलूँगा कि लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड कमेंट में सभी एल्गोरिथम्स के बारे में बताइए आप कौन सा कर चुके हैं एंड कौन सा आप करेंगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, एंड थैंक यू।